दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव था जहां एक ही फैमिली रहती है और एक पति पत्नी, उसके दो बच्चे, दोनों लड़के रहते हैं और दोनों ही काफ़ी अच्छे मतलब फैमिली थी। वह बड़ी खुश रहती है और खुशी रहने के साथ साथ ही दोनों सब लोगों में इतना प्यार रहता है कि बहुत ही ज़्यादा प्यार रहता है। गांव वालों भी उससे खुश रहते हैं, यानी गांव में भी उन लोगों के उन जो लोग थे उनकी बहुत ही ज़्यादा फैन फॉलोइंग थी। यानी दो लोग थे वो सबसे हंस करके मिलते थे, किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे। तो गांव में भी उन लोगों को सब पूरे गांव वाले चाहते थे। उनके दो बच्चे थे वह भी बड़े ही अच्छे थे, यानी शैतान थे, शरारती, इतने ज़्यादा हंसी मजाक के बच्चे थे कि सब लोग उनको रखना चाहते थे। और वो धीरे धीरे लड़के हैं, बड़े हो जाते हैं, पढ़ाई करते हैं। एक दिन ऐसा आता है दोस्तों कि वह महिला थी, वह किसी मंदिर में जा रही थी और जब मंदिर में जाते वक्त ही मंदिर जाकर के वापस आती है तो उसे एक झाड़ियों में यानी एक जंगल रहता है और उसके अंदर एक बच्चा मिलता है जिसकी किलकारी सुनती है। और किलकारी सुनकर के वह महिला उन झाड़ियों में उस देखती है तो उसे एक छोटा सा नन्हा सा बालक मिलता है, यानी कि वह किसी महिला ने या किसी ने भी फेंक दिया वहां पर। तो वह दर्द के मारे उन झाड़ियों में चिल्ला रहा था, किलकारियां उठ रही थी। वह महिला उसे उठाती है और उठा करके अपने घर ले आती है और उसके बाद में मेडिकल टीम वगैरह आती है और उसको कहती है कि भाई हम इसे ले जाएंगे। लेकिन महिला कहती है कि सर, अगर हाथ जोड़ करके उनसे रिक्वेस्ट करती है कि सर आपको अगर कोई एतराज न हो तो मैं इसको पाल लूंगी, पोस लूंगी, इसे बड़ा कर दूंगी, मैं इसे रखना चाहती हूँ, मेरे दो बच्चे हैं, तीन सही, कोई दिक्कत नहीं है मेरे, मैं इसकी परवरिश अच्छे से कर दूंगी। तो मेडिकल टीम है उसे कहती है कि कोई दिक्कत नहीं, आप रख सकते हो इसे। तो मेडिकल टीम है उसे रखने के लिए कह देती है। महिला है उसे दूध पिलाती है और उसी इतनी ज़्यादा केयर करती है कि वह लड़का बड़ा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है और उसके बाद में बड़ा हो जाता है। तो वह अपने जो दो भाई और थे बड़े उनके साथ में स्कूल भी जाता है और वह सबसे छोटा था। दो भाई उससे बड़े थे, वह बड़ी क्लासों में चले जाते हैं, वह छोटा था इसलिए वह पढ़ाई करता है तो उसे समय लगता है और वह उनके साथ में ही स्कूल जाता है। लेकिन वह शरारत करता है तो उसके दो भाई थे वह उसे मारते भी पीटते भी हैं, क्योंकि वह उनका सगा भाई नहीं था। क्यों, आजकल के ज़माने में लोग ये भी तो बोल देते हैं दोस्तों कि सीख है यह पत्थर पुड़ा देती है, यानी पत्थर है उसके भी टुकड़े करवा देती है। सीख ऐसी चीज है जमाने में, यानी समाज में ऐसे ऐसे लोग रहते हैं कि वह लोगों को सिखा करके घर है वह तुड़वा देते हैं और वही काम उन लड़कों के साथ में होता है। जमाने वाले हैं जो समाज वाले हैं, लोग कहते हैं कि यार आप इस भाई को इतना प्यार क्यों दे रहे हो, ये आपका कोई सगा भाई थोड़ी है, यह तो ऐसे ही बीड़ में उठाया हुआ लड़का है, यानी कि आपकी माँ ने इसे उठा करके लाई थी और ला करके इसे पाल पोस करके बड़ा कर दिया, ये आपका कोई सगा भाई थोड़ी है, ऐसी बातें हैं समाज के लोग कहते हैं। तो वो लोग हैं उनकी बातें मान जाते हैं और उसके साथ में दुर्व्यवहार करने लग जाते हैं और वह धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। वह गाँव में ही जो शुरू की एजुकेशन होती है वह कर लेता है और करने के बाद में उसे पढ़ाया लिखाया नहीं जाता है, क्योंकि वो दोनों भाई हैं वह विरोध करते हैं। दोनों भाई हैं वह कुछ पढ़ लिख करके आगे किसी कंपनी में जॉब लग जाते हैं तो वह कहते हैं कि हम इसे नहीं पढ़ाएंगे लिखाएंगे और हम इसका खर्चा नहीं उठाएंगे। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा क्यों, क्या बात हुई, ये भी तो आप ही का भाई है। लेकिन वह कहते हैं कि माँ ये हमारा भाई नहीं है, ये आपकी कोख से नहीं जलमा हुआ है, हम ही दो आपकी कोख से जन्मे थे और हम दोनों भाई इसे नहीं रखना चाहते, ये क्या पता किस गंदी नाली का कीड़ा है। ऐसी ऐसी बातें वह अपनी माँ को कहते हैं तो उसके पापा कहते हैं कि बेटा ऐसी बातें नहीं किया करते, अच्छे संस्कार वाले लड़के हैं, आप ऐसी बातें मत कीजिए, हमने आपको बुरे संस्कार नहीं दिए, एक अच्छे संस्कार दिए हैं और एक अच्छे माँ बाप की औलाद हो आप और आप ऐसी बातें कर रहे हो, आपके मुँह पर ऐसी बातें शोभा नहीं देती है। तो वह कहते हैं कि पापा आप चुप रहिए, आपको कोई पता नहीं है, यह कोई आप हमारा सगा भाई थोड़ी न है, क्योंकि ये हमारी माँ की कोख से जन्मा नहीं है, यह तो किसी झाड़ियों में उठाया हुआ लड़का है और इसे उठा करके पाल पोस करके बड़ा कर दिया, अब हम आप लोगों ने इनकी परवरिश कर दी लेकिन हम लोगों से इसकी परवरिश नहीं होगी, हम इसे खाना नहीं खिलाएंगे और न ही इसे कोई पैसा रुपया पैसा देंगे, हम तो हमारा ही घर चलाएंगे, अगर आप इसके साथ हो तो हम हैं कि आपके साथ नहीं रहेंगे। ऐसी बातें हैं वह बोलते हैं तो उसके मम्मी और पापा का दिल दुखता है और वह सोचते हैं कि क्या हो गया इन लोगों को, जमाने में कैसे कैसे लोग रहते हैं और कैसे कैसे दिमाग में इनके ऐसी
चीजें भर देते हैं और ये लोग मान जाते हैं, तो उन लोगों का दिल है बहुत ज्यादा दुखता है। तो वह कहते हैं कि बेटा, हम हाथ जोड़ करके कहते हैं कि बेटा, हम आपके बहुत ज्यादा दुखी हैं आपसे भी, और आप भी हमारे लिए दुखी हो, क्योंकि हम आपको निकालना नहीं चाहते, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं, हम वर्द हो चुके हैं, हम आपको पढ़ा लिखा करके बड़ा कर दिया, लेकिन अब हम आपकी परवरिश नहीं कर सकते, ये हमारे जो दो बेटे हैं ये आपको खाना नहीं देंगे। तो लड़का है वह कहते हैं कि मम्मी पापा, आप दिक्कत मत कीजिए, किसी भी बात की परेशानी मत कीजिए, हम मैं आप लोगों पर बिल्कुल भी बोझ नहीं बनूंगा, मैं यहाँ से चला जाऊंगा और एक अपने घर है वह चला लूंगा, और आपको भी अगर जरूरत पड़े तो आप मेरे पास में आ जाना। तो लड़का है वह इतना टैलेंटेड रहता है कि वह पढ़ लिख करके जॉब लग जाता है, यानी एक ही टीचर बन जाता है, और टीचर बनने के बाद में वह अपना गुजारा आराम से करता है, और उसके बाद उस लड़के की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद वह लड़का है जो उसकी औरत थी वह भी एक SDM बन जाती है, यानी कि एक SDM की नौकरी करती है। तो दोनों में इतना प्यार रहता है, दोनों का प्यार है बहुत ही अच्छा रहता है, दोनों आराम से घर में रहते हैं, और जो बड़े भाई थे उसके, उनकी शादी होती है, और शादी होने के बाद में उनकी औरतें आती हैं, वो उनसे भी गई गुजरी रहती है, यानी कि उनकी औरतें इतनी ज्यादा खराब रहती है कि वह उसके माँ बाप के साथ में इतना ज्यादा बुरा व्यवहार करती है कि उनके साथ मारपीट करना, गाली गलौज करना, ऐसे ही बहुत से ज्यादा बुरा व्यवहार करती है, उनके वर्द माँ बाप को मारती है, पीटती है, और वो दोनों बेटे हैं वो भी उस मर्द वर्द जो माँ बाप रहते हैं उसको, उनको कहते हैं कि हमारे पास आपके लिए कोई रोटी नहीं है, हम आपको खाना नहीं दे सकते, आप लोग अगर कमाओगे, घर में काम करोगे तो आपको रोटी मिलेगी, वरना हमारे घर में आपके लिए कोई जगह नहीं है, आप लोग ये घर छोड़ के जा सकते हो। अब आपको पता है दोस्तों कि वर्द माँ बाप क्या कर सकता है, क्योंकि वो तो इतने ज्यादा वर्द हो चुके थे कि उनको खाट से भी उठा नहीं जा रहा था, यानी उठ करके पानी भी नहीं पी सकते थे, ऐसी उनकी हालत थी, और उस समय उनके बेटे हैं वह ऐसी बातें बोलते हैं, तो दोस्तों पता है आपको कि कितनी ज्यादा दिल को ठेस पहुंचती है। दोनों है रोने लग जाते हैं, लेकिन उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनकी औरतें थी वह तो इतनी ज्यादा गई गुजरी आई थी कि उन औरतों को तो बिल्कुल भी दया नहीं आ रही थी कि ये वर्द माँ बाप है कहाँ जाएंगे, और वह उनके साथ मारपीट तक कर लेती थी, और वो लोग क्या कर सकते थे, क्योंकि वो तो एक बेसहारा, दोनों ही बेसहारा थे, उनके पास कोई सहारा नहीं था, और तो इतने वर्द हो चुके थे कि वो कमा कर भी नहीं खा सकते और न ही वो काम कर सकते। तो दोस्तों ऐसे माँ बाप हैं वह क्या कर सकते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि ऐसी औलाद से बेहतर तो यह है दोस्तों कि बे औलाद रहना ही अच्छा है, क्योंकि जब ऐसी औलादे हो जाती है और वह अपने माँ बाप को ही मारती पीटती है, तो इससे अच्छा तो यही है, हर एक माँ बाप यही सोचता है फिर कि इस औलाद से अच्छा तो बे औलाद रह जाते तो अच्छा होता, तो वह भी यही सोचते हैं, और उसके बाद वह रिक्वेस्ट करते हैं कि बेटा हम कहाँ जाएंगे, हमारा कोई सहारा भी नहीं है, आप लोग क्यों कर रहे हो हमारे साथ ऐसा, हम कहाँ जा सकते हैं, हमारे से उठ करके पानी भी नहीं पिया जा सकता, हम काम कैसे कर सकते हैं। तो वो कहते हैं कि हमें नहीं मालूम है आप काम करो या ना करो, अगर काम करोगे तो इस घर में आपके लिए रोटी है, वरना आपके लिए कुछ भी नहीं है, आप लोग एक घर छोड़ के जा सकते हो। तो उनकी दोनों औरतें कहती है कि वर्धा आश्रम में चले जाओ, वहां पर सब कुछ मिलेगा आपको, ऐसी बातें कहती है, तो दोनों पति और पत्नी के दिल पर इतनी ज्यादा ठेस पहुंचती है कि वो लोग इतने ज्यादा हैरान रह जाते हैं कि आज हमने इन बेटों को पाला पोसा बड़ा किया है, कितनी मेहनत से हमने सब कुछ किया, और आज यही बेटे हमें वर्धा आश्रम के लिए बोल रहे हैं। तो उन लोगों को दिल पर इतनी ज्यादा ठेस पहुंचती है कि वो लोग कहते हैं ना कि डिप्रेशन में आ जाते हैं, सोच सोच करके और भी ज्यादा मतलब बैठ जाते हैं, उनके घुटने हैं इतने ज्यादा टिक जाते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि दोस्तों वह लड़का है वह उस घर में आता है और उसे संभालने के लिए आता है कि देखने आता है कि मेरे माँ बाप कैसे हैं, मैं तो निकल गया, मुझे तो निकाल दिया गया इस घर से, लेकिन मैं अपने माँ बाप को तो देखने जाऊं। तो वह घर आता है तो उनकी स्थिति देखता है तो वह हैरान रह जाता है कि मेरे मम्मी पापा की ऐसी हालत किसने कर दी। तो वह कहता है उन दोनों भाइयों से कि आप लोगों ने मुझे निकाल दिया था, कि मैं आपका सगा भाई नहीं था, मैं इस माँ की कोख से पैदा नहीं हुआ था, लेकिन आप लोग इस माँ बाप के साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों कर रहे हो, आप तो इनके सगे बेटे हो, इनकी कोख से जन्मे हो, और फिर भी आप लोग ऐसा कर रहे हो। तो वो दोनों कहते हैं कि आप कौन हो हमें कहने वाले,
हम कुछ भी करें, हमारे माँ बाप हैं, हम इसे मारे कूटे कुछ भी करें, तो वह कहता है कि मारने कूटने मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने भी इस माँ का दूध पिया है, मैं इसको इस माँ की कोख से जन्मा नहीं हूँ, लेकिन इस माँ का दूध जरूर पिया है मैंने, और इस दूध का कर्ज जरूर चुकाऊंगा। अगर आप लोग इसे नहीं रखना चाहते तो मैं इस मम्मी पापा को मेरे पास में ले जाऊंगा, आप लोगों इसे ऐसे हैरान नहीं होने दूंगा, इन लोगों को मुझे पता नहीं था आप लोगों ने इनकी ऐसी स्थिति कर दी है, वरना मैं आप लोगों को इनकी स्थिति ऐसी होने ही नहीं देता, मैं अपने पास ले जाता, आप लोगों के पास बिल्कुल भी एक पल भी नहीं छोड़ता। तो वह लड़का है उन दोनों को अपने घर ले जाता है, और घर ले जा करके आराम से उन लोगों को नहलाता है, धुलाता है, और आराम से खाना खिलाता है, उनकी इतनी ज़्यादा सेवा करती है, क्योंकि उसकी जो वाइफ थी वह भी SDM की नौकरी करती है, लेकिन इतनी ज़्यादा, कहते हैं ना कि दोस्तों, इतनी ज़्यादा वो संस्कारी औरत थी कि उसके माँ बाप ने उसे बहुत ही अच्छे संस्कार दिए थे, तो वह अपने सास ससुर की इतनी ज़्यादा सेवा करती है कि एक SDM की नौकरी करते हुए वह औरत है उस मम्मी पापा को ज़्यादा अहमियत देती है, और उस उनकी सेवा करती है, उनको खाना खिलाती है, नहलाती धुलाती है, और उसके बाद में वह जॉब करने के लिए यानी अपनी ड्यूटी पर जाती है। पहले पहला काम उसका उठते ही यही होता है कि मम्मी पापा को है खाना खिलाना है, उसे चाय देना है, सुबह उठकर नाश्ता देना है, और उसके बाद उनको नहला धुला करके आराम से उनको बैठा करके नाश्ता पानी करवा के खाना खिला के उसके बाद में वह ड्यूटी जाती है, और वह यह कह के जाती है कि मम्मी जब भी आपको भूख लगे तो खाना बना हुआ है रसोई में और आप खाना लेकर के खा सकते हो, जैसे ही मैं ड्यूटी से आऊंगी मैं आपको खाना खिला दूंगी और बना करके। तो वह जैसे ही ड्यूटी से आती है उनको खाना खिलाती है, तो वह दोस्तों एक दूध का फर्ज था वह लड़का है वह चुकाता है, यानी दूध का कर्ज चुकाता है, क्योंकि वह कहता है कि इस माँ ने मुझे जन्म जरूर नहीं दिया था अपनी कोख से, लेकिन इस माँ ने मुझे पाला था, पोसा था, बड़ा किया था, इसने अपना दूध पिलाया था मुझे, इसलिए मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं इस दूध का कर्ज है वह जरूर चुकाऊंगा, क्योंकि यह भी मेरे मम्मी पापा है, मुझे यह भी पता नहीं था कि मेरे माँ बाप कौन है, मैंने तो इन्हीं को माँ बाप देखा था, और वह उन लोगों की इतनी ज्यादा सेवा करता है। उसके बाद वो जो दोनों भाई थे वो इतने ज्यादा गरीब हो जाते हैं दोस्तों, क्योंकि उनका जो कंपनी में काम था वह पूरी तरह से छूट जाता है, और छूटने के बाद वो दोनों भाई रोड पर आ जाते हैं, और उनकी स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो जाती है, और होनी भी थी, क्योंकि दोस्तों कहते हैं ना कि जब बूढ़े वर्द माँ बाप को अगर आप सताओगे तो उनकी बददुआएं हैं वह जरूर लगेगी, और वो लोग बददुआ देंगे चाहे कितने भी उनके बेटे ही क्यों ना हो, क्योंकि कहते हैं ना दोस्तों आत्मा दुखती है ना, तो इंसान अपनी जुबान से नहीं कहता है, उनकी आत्मा रोती है, और आत्मा से जो आवाज आती है वही ही इंसान बोलता है, तो उनकी आत्मा दुखी थी, इसलिए उनसे कभी भी आशीष नहीं निकलती है। वो लोग बद्दुआएं दे रहे थे कि उनने बेटे नहीं जन्मे, इससे अच्छा तो यह होता कि वो बे औलाद रह जाते, और जो उसके जन्मा नहीं था उसने इतना ज्यादा किया, तो वह लोग उससे इतने ज्यादा खुश होते हैं, और वो लोग हैं उनके पास जाते हैं कि भाई हम भी आपके साथ रहना चाहते हैं, हमारी भी मदद करो, तो वह कहता है कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि आप लोगों ने तो मुझे निकाल दिया था ना घर से, कि ये हम इसे खाना नहीं देंगे, ये तो आपकी कोख से नहीं जन्मा है, मैंने इस माँ की कोख से जन्म जरूर नहीं लिया भाइयों, लेकिन कहते हैं कि दूध जरूर पिया था, इसलिए मैंने इस माँ बाप को कुछ नहीं होने दूंगा, आप लोग अपना करिए काम और अपने आराम से खुश रहिए, मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मैं अपने मम्मी पापा को कभी खुश कभी भी दिक्कत नहीं होने दूंगा, इनको इतना ज्यादा खुश रखूंगा कि आप लोगों की याद तक नहीं आएगी। और ऐसा ही वह लड़का करता है, उसकी वाइफ थी वह भी इतनी संस्कारी थी कि वह उस सास ससुर की इतनी ज्यादा सेवा करती है दोस्तों, कि वह सास ससुर है इसे इतनी ज्यादा आशीष देते हैं कि अगर बहू हो तो ऐसी हो, यानी बहू नहीं वह उसको बेटी मानती है, और बेटी मान करके उस औरत को इतनी ज्यादा कहते हैं आशीष देती है दोस्तों, दोनों पति और पत्नी को बहुत ज्यादा आशीष देती है कि बेटा हमने कोख से तो नहीं जन्मा, लेकिन आप लोगों ने बहुत अच्छा किया। और दोस्तों ये कहानी है, आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि लड़के ने जो दूध का कर्ज चुकाया था वह एक अच्छा काम किया था, क्योंकि उसके दिल में एक संस्कार अच्छे थे, उस औरत ने जन्म जरूर नहीं दिया था दोस्तों उसको, लेकिन उस औरत ने जो दूध पिलाया था उसका कर्ज है वह लड़का चुकाता है, और अपने मम्मी पापा को इतनी ज्यादा खुश रखता है कि उनको किसी भी चीज की दिक्कत नहीं होने देता है,
और उसकी औरत थी वह तो इतनी ज्यादा संस्कारी थी दोस्तों कि वह उस लड़के से भी ज्यादा संस्कारी थी। वह अपने सास ससुर को है एक भी चीज की दिक्कत नहीं होने देती है, उसे रोज नहलाती है, रोज अच्छा सा खाना खिलाती है, तो उनकी स्थिति इतनी ज्यादा अच्छी हो जाती है कि वो लोग चलने फिरने लग जाते हैं और आराम से रहते हैं। वह परिवार इतना खुश रहने लग जाता है और एक कोख से नहीं जन्मा लेकिन एक दूध पिलाती है जिस बच्चे को, वह उस बच्चे ने दूध का कर्ज चुकाया। तो यह कहानी है, आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और दोस्तों ऐसे ही समाज में जो हमने इस कहानी में बताया है, समाज में ऐसे लोग बहुत ज्यादा हैं और जो कर्ज चुकाने वाले लोग हैं जो जिस लड़के ने किया है वह इस ऐसे लोग हैं इस समाज में बहुत कम मिलेंगे आपको, इस दुनिया में बहुत कम मिलेंगे। ज्यादातर लोग हैं वह अपने माँ बाप को है वह पीड़ा ही देते हैं। और सीख, और उसने ऐसा नहीं किया था दोस्तों, उसने सीख में किया था, यानी लोगों की सीख में आकर के उन लोगों ने अपना घर उजाड़ लिया था। तो इसलिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।